अब दिनेश जी बताओ भाई जी यहाँ पर कितने पेड़ हैं? मैं बता रहा हूँ, दिखा दो, दिखा दो। पूरे पूरे पार्क में ना? पूरे नहीं, इतने इतने एरिया में। किस साइड? इतने एरिया से लेके यहाँ तक, रुक जा। जय श्री राम और फिर क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, फुटे आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है, 11:10 हो रहे हैं अभी, और देख लो मैंने आटा गूंद के रेडी कर लिया है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट के लिए। सो आज मेरा आलू का पराठा खाने का मन कर रहा था, सो आलू का पराठा बनाएंगे, दही के साथ खाएंगे। सो वीडियो भी अपलोडिंग पे लगानी है, वीडियो भी अपलोड पे लगाते हैं। आटा गूंद के तो रेडी हो चुका है और आलू भी बॉयल हो चुके हैं। चलते हैं पहले आलू का मसाला तैयार करते हैं। पराठा मैं पहली बार बना रहा हूँ तो मैंने मम्मी से पूछ लिया है क्या कैसे कैसे बनेगा। सो आटा तो गूंद लिया, चलते हैं बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो वह आलू बॉयल हो चुका है, इसमें नमक मिर्च और मसाले ऐड करूँगा। जब तक इस जीरे को भून रहा हूँ तब ऐसे ये भुना हुआ जीरा भी डाल दूँगा। तो गाइस हमारे आटे की मतलब पराठे की फिलिंग्स बिल्कुल तैयार हो गई है और अब बनाना स्टार्ट करते हैं पराठा। दिखाऊंगा आपको पराठा बना कैसे, लास्ट में बनाता हूँ मैं। गाइस जरा देखना इसके अंदर लग रहा है आलू भरे हुए, इतना परफेक्ट काम करता हूँ। उसको अलकार कैसे चिपटा करना है। तो गाइस देख लो मेरा पराठा कितना टेस्टी लग रहा है। आप ऑयल में ही बना सकते हो, मैं घी का यूज़ करता हूँ, बहुत ही मस्त बनेगा भैया। तो गाइस देख सकते हो मैं तो खुद पे यकीन नहीं हो रहा, मैंने इतना मस्त आलू का पराठा बनाया लाइफ में पहली बार। सो अब खाते हैं, मज़ा आएगा। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, ज़्यादा टेस्टी बता नहीं सकता आपको। और मैं बाइक निकाल ली तो मार्केट से होके आता हूँ, मैं कुछ काम है मार्केट में, तो वहाँ पे जाकर देखते हैं। भीड़ वगैरह भी हो गया, आज छोटी हो लिया। तो गाइस मैं थोड़े कलर वगैरह लेने आया था कॉन्टली, न्यू कॉन्टली मार्केट, और ये पूरा बैग फुल हो चुका है। एक गिफ्ट भी मिला है मुझे जो कि मैं घर जाकर दिखाऊंगा आपको, एक फ्रेंड ने दिया है। सभी चीज़ें चलते हैं कॉन्टी से घर, और विक्की भी वेट कर रहा है घर पे, विक्की आने वाला था तो विक्की पहुंच चुका है, मैं यहाँ पे हूँ। सो चलते हैं वापस घर, मिलता हूँ। सो गाइस सब जगह घर पहुँचा हूँ और विक्की वापस चला गया घर क्योंकि उसकी मीटिंग थी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो वेट करता तो काफ़ी तगड़ा लॉस हो जाता गाइस, इसलिए वो तो चला गया अपने घर। मैं ये सामान लेके आया आपको दिखाता हूँ। तो गाइस पहले तो दिखाता हूँ आपको गिफ्ट, बैक कैमरा कर लेता हूँ। बस ये मिला है मुझे होली का गिफ्ट, दोस्त होता ऐसा गिफ्ट देने वाला। तो बाकी ये सब ऐसे ही मैं कुछ घर का सामान वगैरह लेके आया था, ये केवी लेके आया था, रूह अफ़ज़ा की बोतल। बाकी सुबह से रखते हैं, अब खा लिया मैंने एक दो पीस, कल खाएंगे और चलते हैं। मैं दिनेश सवित आदित्य हम सब जा रहे हैं पार्क, तो चलते हैं लॉक वगैरह लगाते हैं फिर चलते हैं पार्क। तो गाइस होली का सीज़न आ गया, पेक्कर वेक्कर दिखने लगे हमें। तो गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, सभी किस तरह से पार्क जाता है। जैसे ही इसे पता चला कि पार्क जा रहे हैं, जल्दी से शर्ट और जीन्स पहन के आ गया क्योंकि बिना शर्ट और जीन्स के पार्क नहीं जा सकता। गाइस मैं पहले से ऐसा रेडी बैठा हुआ था, झूठ बोल रहा है। दिनेश हमारा फौजी भाई, इसने कहा पार्क जा रहा है, घूमने आ रहा है। और क्या, हमें सब टी शर्ट रहता है, भाग के गया क्या है कि मुंडो का झूठ बोल रहा है, कितना झूठ बोलता है बंदा। तो भाई देख लो अभी एक भी बंदा नहीं है पार्क में होली की वजह से, सारे बंदे होली की तैयारी करने में लगे होंगे। लेकिन हमें तो अपने लक्ष्य से हटना नहीं है, वी आर आर्मी बॉयज। ये भी जीन्स पेंट वाला भाई वो है ये मेजर। सपना होता है लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने का, कुछ बनने का। दिनेश का भी है फौजी बनने का, और इस भाई का सूबेदार मीट सूबेदार सब। तो गाइस सनसेट भी होने वाला है, ये दो विचित्र प्राणी ये देखो। क्वेश्चन पूछूंगा आसमान को नहीं, क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ये कौन सा देश का पक्षी कह रहा ये कौन से देश का झंडा है बताओ? ये तो मुझको लगता है
भारत नहीं हिंदुस्तान का। लेकिन पहले तो नहीं था। दिनेश बताओ भाई कि यहाँ पे कितने पेड़ हैं? मैं बता रहा हूँ, दिखा दे। पूरे पूरे पार्क में ना, पूरे नहीं, इतने इतने एरिया में। किस इतने एरिया से लेके यहाँ तक? रुक जा, पीछे पूरा पूरा पीछे पीछे ना रुक जा। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, ये है 777। पागल हो गया, 78 पेड़ है। नहीं कंफर्म, जाके गिन ले जा। 700 है भाई, 78 पेड़ है, जाके गिन ले। गो एंड काउंट देम। ये आंसर एक्सपेक्ट किया था। कौन सा? मेरा कुछ भी नंबर बोल दो, यकीन ना हो तो गिन ले। तूने मेरे से बोला कि इतने नहीं है, तो फिर मैं बोलता ना कि जाके साले गिन ले। मैंने बोला इतने नहीं है, 150-200। हां तब तूने नहीं बोला। अबे नहीं, फिर तूने एकदम बीच में बोल दिया था ना। अरे भाई ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। 700 तो पूरे पार्क में होंगे मेरे हिसाब से। पागल है साले, पार्क में तो 700 ज्यादा होंगे भाई। तो ये 800-900 हो गए। देख लो आज पूर्णिमा है, फुल मून, द नाइट ऑफ फुल मून। निकल चुके हैं हम पार्क से, वापस चलते हैं घर। टाइम हो गया है 7:30। तो गाइस अब टाइम आ चुका खाना बनाने का। घर आए हुए 2-3 घंटे हो गए। और गाइस जी देखो रोटी कैसे फूल गई, जब पलटूंगा तब नहीं फूलेंगे, अभी कच्ची है, तभी कच्ची में फूल गई। सो गाइस रोटी बनाता हूँ, और जो सब्जी तो है। ओए जल गई है यार, आप लोग के चक्कर में मेरी रोटी जल गई, वीडियो बनाने के चक्कर में। चलो मैं रोटी बना लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। सो गाइस खाना पीना खा लिया है, और थोड़ी देर टीवी देखते हैं और फिर सोते हैं। ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया आप लोगों को ब्लॉग में। सो आज के ब्लॉग में इतना, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। सभी से आगे जा।